रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट बिरयानी, और ये बिल्कुल होटल स्टाइल बनकर तैयार होगी। जैसे आप शादियों में जाते हैं तो वहाँ पर चावल होते हैं, बिल्कुल उसी तरह, और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल बनने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ये कि बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई सा भी एक बटर लेंगे जिसमें आपने चावल बनाने हैं, और इसमें हम एक कप ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे, और इसमें हम कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे उबाल किया चिकन, और इसमें हम शामिल करेंगे कैप्सिकम क्यूब्स में कटी हुई, और बड़ी कटी हुई कैबिज ऐड करेंगे यानी कि बंद गोभी, और इसमें शामिल करेंगे उबाल की मटर। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक। उबाल किए हम इसमें पोटैटो शामिल करेंगे। वैसे तो चाइनीज़ चावल में कुछ लोग अंडे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसका टेस्ट नहीं आता। तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उबाल की हम इसमें गाजर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई, मिक्स करेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 टीस्पून सिरका शामिल करेंगे। 2 टीस्पून ही चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे और इन सब्जियों को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो सब्जियों की हमने अच्छे से भुनाई कर ली है, और इसमें सॉल्ट हमें थोड़ा सा कम लगा था तो वो हमने मज़ीद शामिल किया है। अब हम इसमें उबाल किए चावल शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। और चावलों को हम दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जियां भी हमारी पकी हुई हैं और चावल भी। चावलों को हमें दम पर लगाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अब हम इनको मिक्स करेंगे। तो तैयार हैं जी हमारे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ चावल, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको अक्सर खुद घर पर बनाया करें क्योंकि इनमें सब्जियां ऐड की जाती हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, और इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।